तो हे गाइस, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स मॉड्यूल 1। दिसंबर 2023 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं सीएसआईआर नेट फिजिकल साइंस के लिए। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए थे, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर की। क्रिस्टल स्ट्रक्चर की हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो हम चीज़ देखने वाले हैं, पहली बात तो ये कि लेक्चर नंबर 2 ये है, ये हमारी वीडियो का। और लैटिस क्या होता है, सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर है लैटिस। तो लैटिस एक पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है इमेजिनरी पॉइंट्स इन स्पेस। स्पेस में कोई भी इमेजिनरी पॉइंट्स है, उनका जो पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है उसे हम लोग लैटिस बोलते हैं। दिस इज अ पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, दिस इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ये पीरियोडिक अरेंजमेंट है एटम्स का और ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। लैटिस इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ऑलराइट। द लैटिस विल बी ब्रेवियस लैटिस और स्पेस लैटिस इफ ईच लैटिस हैज आइडेंटिकल सराउंडिंग्स। अगर एक लैटिस की आइडेंटिकल सराउंडिंग्स है, लेट सपोज कि ये हमारे कोई लैटिस पॉइंट है और इसकी जो सराउंडिंग्स है वो सेम एटम्स की है, ठीक है। एक लैटिस है, उसकी सराउंडिंग भी अनदर सेम लैटिस की है, सॉरी नॉट एटम्स, तो उसको हम लोग ब्रेवियस लैटिस या फिर स्पेस लैटिस बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे ये आप देख सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर कि जो भी मैंने आपको बताया इनकी जो स्पेसिंग है वो भी सेम है। देखो हर किसी की सेम स्पेसिंग है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट बेसिकली लैटिस पॉइंट कहलाता है। तो लैटिस पॉइंट ओ एंड ओ डैश है ना, इन दोनों की जो सराउंडिंग्स है वो सेम है, तो हम कह सकते हैं कि लैटिस पॉइंट ओ एंड ओ डैश हैज सेम सराउंडिंग्स, ऑलराइट। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बेसिस। तो बेसिस क्या होते हैं हमारे, बेसिस इज एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। बेसिस हमारे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। बाय अटैचिंग कह रहे हैं कि ग्रुप ऑफ एटम्स, बाय अटैचिंग द बेसिस टू ईच लैटिस पॉइंट वी विल गेट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अगर बेसिस को हम हर एक लैटिस पॉइंट के साथ अटैच करते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मोलिफ भी बोलते हैं इसको, ठीक है, सॉरी मोटिफ भी बोलते हैं, सॉरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, मोटिफ MOTIF मोटिफ, ठीक है। तो इसको हम मोटिफ भी बोलते हैं। तो सिंपल सा आप इस बॉक्स के अंदर देख सकते हो, अगर हम लैटिस और बेसिस को ऐड करते हैं तो व्हाट वी गेट अ क्रिस्टल, ऑलराइट। तो इसके बाद कुछ पॉइंट्स निकल कर आते हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है बेसिस ऑफ वन एटम इज कॉल्ड मोनोएटॉमिक क्रिस्टल। अगर एक ही एटम का बेसिस है तो वो मोनोएटॉमिक क्रिस्टल कहलाएगा। बेसिस ऑफ मोर देन वन एटम इज कॉल्ड पॉलीएटॉमिक क्रिस्टल, ऑलराइट। तो वी आर अटैचिंग एटम्स ऑन ईच लैटिस पॉइंट सो दिस विल बिकम अ फिजिकल, ठीक है, मतलब वो दिखने लगेगा फिर हमें, ठीक है। एज लैटिस आर पीरियोडिक सो एटम्स विल बी पीरियोडिक। अगर लैटिस पीरियोडिक होंगे तो एटम्स भी क्या होंगे, हमारे पीरियोडिक होंगे। दिस अरेंजमेंट विल बी क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे। और इस तरीके से आप देख सकते हो जो पहले भी हमने बोला हुआ था कि ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरह से दिखता है, सिंपल सा। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल की। तो आइडियल क्रिस्टल इन इनफाइनाइट डायमेंशन है ना, एक आइडियल क्रिस्टल है और उसकी डायमेंशन कैसी है, इनफाइनाइट डायमेंशंस हैं। बट रियल क्रिस्टल कैन नॉट बी इनफाइनाइट। अगर आइडियल क्रिस्टल होगा तो उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट होंगी, 3D, 4D, 5D, 6D, 7D इनफाइनाइट डायमेंशन एंड इन्फिनिटी डी। और रियल क्रिस्टल की क्या होती है, इनफाइनाइट नहीं होती, फाइनाइट होती है, और हम इजीली डिस्कस कर सकते हैं। तो नथिंग कैन बी आइडियल सो इट मस्ट हैव फाइनाइट डायमेंशन। कुछ भी हमें पता है कि आइडियल नहीं होता है, इसलिए कुछ ना कुछ फाइनाइट डायमेंशन उनकी होनी चाहिए, ऑलराइट। तो यूनिट सेल को लेकर कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये है कि यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल और लैटिस विच ऑन कंटिन्यूस रिपीटेशन कैन जनरेट होल लैटिस। यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट यूनिट है एक क्रिस्टल या लैटिस की, जिसको हम कंटिन्यूस रिपीट करते रहेंगे तो एक पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, लैटिस बन जाएगा, ठीक है। दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लैटिस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो जो यूनिट सेल होता है ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है लैटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। इफ वी वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर देन वी हैव टू अरेंज द यूनिट सेल साइड बाई साइड। अगर हमको एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर अरेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू अरेंज द यूनिट सेल साइड बाई साइड। जैसे हमने एक यहाँ पर रखा एग्जाम्पल के तौर पर, एक हमने ऐसे रखा, फिर एक ऐसे, फिर देखो साइड बाई साइड। इस तरीके से अगर आप बनाते जाओगे साइड बाई साइड तो ये क्या बन जाएगा, एक पूरा का पूरा हमारा क्रिस्टल बन जाएगा। ग्रेन कैन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल, जैसे कि हमने पता था ग्रेन बाउंड्रीज पड़ी थी ना हमने, तो जो ग्रेन्स होते हैं ना, ग्रेन्स हमारे क्या होते हैं, ये जो ग्रेन्स है अंदर, ग्रेन्स कैन कंटेन लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल। तो ग्रेन्स के अंदर क्या हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं यूनिट सेल्स की टाइप्स के लिए। तो यूनिट सेल्स हमारे दो टाइप के हो सकते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। तो ये तो बहुत ही बेसिक है, आप लोग प्लस वन से, मतलब क्लास इलेवन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इलेवन ट्वेल्थ में केमिस्ट्री में था आपका, है ना। तो प्रिमिटिव क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स आर बिलोंगिंग ओनली टू द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल के कॉर्नर्स में, अगर हमारा कोई ये यूनिट सेल है,
यूनिट सेल के कॉर्डिनेट्स पे ही अगर हमारे क्या है लैटिस पॉइंट्स, ये सिर्फ कॉर्डिनेट्स पर ही अगर है ना, इतने सारे कॉर्डिनेट्स हैं इसके, सिर्फ कॉर्डिनेट्स पर ही अगर हमारे क्या है हमारे लैटिस पॉइंट्स है तो वो क्या कहलाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। या दूसरे डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स ऑन पर यूनिट सेल इज वन, पर यूनिट सेल के इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स कितने होते हैं, ओनली वन, तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब हम बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की, तो कॉर्डिनेट्स के अलावा और भी जगह पे हमारे यूनिट सेल प्रेजेंट हो सकते हैं तो उनको हम बोलते हैं नॉन प्रिमिटिव। अगर आपको लिख के आना हो एग्जाम में, आपके जब आप एमएससी के एग्जाम देंगे तब भी आपके लिए हेल्पफुल है ये वीडियोज। तो लैटिस पॉइंट्स आर बिलोंगिंग टू द कॉर्नर्स एज वेल एज टू द अदर पोजिशन ऑफ द यूनिट सेल, और मतलब कि कॉर्नर्स पे तो होंगे लेकिन अदर पोजिशन पे भी होंगे, ये इफेक्टिव नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स मोर देन वन, मोर मतलब वन से ज्यादा लैटिस पॉइंट्स होते हैं। अगर हम बात करें जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ये हमारे लैटिस पॉइंट्स हैं कॉर्नर्स के अलावा, है ना, कॉर्नर्स के अलावा अगर मान लो कि सेंटर पर प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर पर है ना, या सिर्फ यहाँ पे प्रेजेंट है, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारा नॉन प्रिमिटिव होता है। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैं खुद प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे को जो नॉलेज है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। इतने महंगे महंगे कोर्स अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप इजिली इन वीडियोज को देखकर अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। बाय बाय।